नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कुछ समय पहले एक खबर आई थी मंडावली की। मंडावली के वीडियो काफ़ी दिखाए गए थे, उसमें कुछ युवक एक खास संप्रदाय के थे हालांकि वो, और मंडावली के मोहल्ले के जोशी कॉलोनी, उस मोहल्ले के सभी कुत्तों को जान से मार रहे थे डंडों से पीट पीट कर। काफ़ी कुत्ते उन्होंने मार दिए थे, 10-12 कुत्ते जान से मार दिए थे दोस्तों। और फिर से आज एक घटना आ रही है द्वारका की। द्वारका में 2 दिन में 10 कुत्ते मार दिए गए हैं बड़ी बेरहमी से। 4-5 कुत्तों को कुछ जहर या पॉइजन कुछ ऐसा दिया गया है और 5 कुत्तों को बुरी तरह से किसी धारदार हथियार से काटा गया है। और मीडिया हमारा जो है, हमारे भारतवर्ष का मीडिया, सम्मानजनक मीडिया, माननीय मीडिया जो खबरें दिखा रहा है, कुत्तों का आतंक, कुत्ते शेर, बिल्ली बिल्ली, पता नहीं क्या क्या इस तरह के टाइटल बना के। मैं मानता हूँ घटनाएं होती हैं, हर तरह की घटनाएं होती हैं देश में, हर देश में होती हैं। मैं इस मीडिया को बताना चाहता हूँ कि यदि किसी कुत्ते ने किसी बच्चे पर हमला कर दिया या किसी पर हमला कर दिया तो क्या सारे कुत्ते मर जाने चाहिए? सारे कुत्ते मर जाने चाहिए? मैं तो कहता हूँ यदि किसी एक कुत्ते ने ऐसी घटना की भी है तो उसका कुछ आधार होगा, मनोवैज्ञानिक आधार होगा, कुत्ते का व्यवहार बदला हुआ होगा, कुत्ता पागल हो सकता है। पागल कुत्ते के बारे में तो मैं भी एक निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि मुझे पता है वो चैन बना देता है, वो किसी को काटता है तो वो भी पागल हो सकता है, जितने कुत्ते को वो काटता है वो भी पागल हो सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, पागल कुत्ते को मार देना चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि सारे कुत्तों को मार दो? मैं हमारे मीडिया की बात बढ़ाता हूँ आगे, जैसी वो खबरें दे रहे हैं उनको इस खबर को अच्छे से दिखाना चाहिए था। डॉग लवर्स, डॉग हेटर्स, चलो एक और चीज़, हमारे संविधान में सबसे पहला नियम है जीवों पर दया। हमें सब पर दया तो करनी चाहिए। अब यदि किसी भी, जैसे कि अभी दिखाते हैं कि स्कूल में ये घटना हो गई तो सारे स्कूलों को इस दृष्टि से दिखाना शुरू कर देते हैं कि सारे स्कूल ही अपराधी हैं। ओला उबेर में कुछ घटना हो गई, कुछ भी घटनाएं हो गई, वो आप समझते हैं ओला बंद करवा दो, उबेर बंद करवा दो। भाई ओला ने किया है कुछ, क्या उबेर ने कुछ किया है? ड्राइवर ने किया है तो एक ही ने तो किया है ना, वो एक ड्राइवर दोषी है, उसके ऊपर जो भी है प्रावधान सजा का होना चाहिए। ऐसे ही अगर उस कुत्ते ने कर दिया, किसी कुत्ते ने काट भी दिया है, इतने सारे कुत्ते होते हैं, इतना बड़ा देश है, इतने दिन होते हैं साल में 365 दिन, किसी एक दिन ऐसी कोई घटना हो जाती है तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? क्या ये ऐसी बड़ी बात हो गई कि सारे कुत्तों को मार देना चाहिए? अगर कोई घटना होती है रेप की तो ये हमारा मीडिया दिखाता है कि सारे पुरुष दोषी हैं। औरतों के ऐसे डायलॉग आते हैं समाज सेवी जो बनती हैं औरतें, कि सारे पुरुष ऐसे होते हैं। सारे पुरुष ऐसे होते हैं क्या? क्या करें, सारे पुरुषों का स्टरलाइजेशन करा दें क्या? क्या सारे जो कोई आदमी अगर अपराधी है, एक आदमी अपराधी है तो क्या सारे आदमियों को मार दें? क्या एक औरत गलत काम कर रही है? बहुत सारी हैं। आप तो मीडिया वालों, आप तो आप अपने स्टूडियो में बिठाते हो उनको, इंटरव्यू लेते हो उनके, सनी लियोने जैसी उनको आदर्श बना रहे हो आप भारत का। वो क्या है आपको पता है? सबको पता है वो क्या है। उनको बॉलीवुड जगह दे रहा है। मुझे बहुत गुस्सा है हालांकि, लेकिन मुझे अफसोस भी है उन लोगों के अज्ञान पर जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि एक कुत्ता काटता है तो सारे कुत्तों को मार दो, एक ड्राइवर रेप करता है तो सारे ड्राइवर गंदे हो गए, एक स्कूल में कोई घटना हो गई तो सारे स्कूल दोषी हो गए, एक बाबा पकड़ा गया तो सारे बाबा दोषी हैं। ये क्या मानसिकता फैला रहे हो आप दोस्तों? तो मैं, जितने भी मेरे डॉग लवर्स हैं, जितने भी मेरी बात से सहमत हैं कि ये मीडिया जिस तरह से खबरों को फैलाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डॉग हिटर्स बना देगी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरी सहानुभूति है उन लोगों से जिनके बच्चे को कुत्तों ने काटा है, बहुत बुरा हुआ है उनके साथ। मैं जानता हूँ मेरा बच्चा भी हो सकता था, मुझे भी बुरा लगता, उस कुत्ते पर मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कभी करता कि मैं उस कुत्ते को जान से मार देता। और नियम है और कानून है, या उस कुत्ते को क्या और सारे कुत्तों को मार रहे हो तो गलत है दोस्तों, ये गलत है। थैंक यू।